कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी राजनीतिक परिवार में पले बढ़े, इसी वजह से उनकी स्कूलिंग और आगे की पढ़ाई एक जगह पर नहीं हो पाई। बताया जाता है कि राहुल गांधी को कई बार अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ना पड़ा और पढ़ाई के लिए उन्हें अपना नाम तक बदलना पड़ा। उनकी शुरुआती एजुकेशन की बात की जाए तो उन्होंने शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से की। इसके बाद राहुल गांधी पढ़ने के लिए देहरादून के दून स्कूल चले गए। बता दें कि राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने भी दून स्कूल से पढ़ाई की थी, लेकिन साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा कारणों से उन्हें अपनी पढ़ाई घर से ही करनी पड़ी। साल 1979 में राहुल गांधी ने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन लिया। सुरक्षा कारणों से यहां भी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चले गए। हार्वर्ड से पढ़ाई छोड़ने के बाद 1991 से 1994 तक रॉलिंग्स कॉलेज में पढ़ाई पूरी की और फिर ग्रेजुएशन पूरा किया। वहीं साल 1995 में राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल की डिग्री हासिल की। उन्होंने आम लोगों से अपनी पहचान छुपाकर पढ़ाई की थी। राहुल गांधी की पहली नौकरी की बात करें तो ग्रेजुएशन के बाद 3 साल तक राहुल गांधी ने लंदन के मॉनिटर ग्रुप के लिए भी काम किया। ये कंपनी मैनेजमेंट गुरु माइकल पॉटर की सलाहकार संस्था थी। इस दौरान भी सुरक्षा कारणों से उनकी पहचान किसी को मालूम नहीं थी और वहां वो राहुल विंची के नाम से काम करते थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।